तो बल्दा जो सोचे थोड़ा सा दूर है, उसको भी जाना है पोजीशन रिवील। ये नेट डाला जरूर गया बट नेट का डैमेज मिलेगा, दो तरफा नेट, दो तरफा वार, बैक ने करा प्रहार और ये फिनिश भी अच्छे नॉक मिला है, फिनिश भी मिल जाएगा मेरे ख्याल से, ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बट वार टीएस को पूरा रोक दिया है, सरकार जोन में आना चाहेंगे तब भी नहीं आ सकते अगर उनके पास कुछ मत नहीं है। ज्यादा कम कंप्लीट किया हाई प्रो भी समाप्त टीएसटी स्क्वाड की सरकार। अब ये बचे रहेंगे आखिरी खिलाड़ी। जी हां टीएस के साथ अच्छा डैमेज तो दिया जरूर है बट चेली भी ऊपर है, एडवांटेज हायर ग्राउंड का चेली के पास, एक और फ्राग, नो फिनिशर्स निकाल चुके हैं और बहुत सिंपल गेम प्ले, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जोन आपके पास था, जोन से जो भी जूझ रहा था उसके सारे फिनिशर्स आपने निकाल लिए दूर से, ऊपर आप नीचे नहीं कर सकते बट जेली फिलहाल उनको डैमेज पड़ा। एफएफसी को फिल्टर को डाउन किया, विशलर वो भी डाउन किए जाएंगे और एफएफसी देखते देखते उनका एलिमिनेशन 14 टोटल फ्रैग। क्या वो ओवर की स्क्वाड होगी जो एनिग्मा का 74 का रिकॉर्ड इस वक्त तोड़ के जाएगी, शायद पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। वहां पर उन्होंने कुछ खास किया भी नहीं है, जस्टर को नॉक किया गया, जस्टर को डाउन भी कर दिया गया, निंजा बचे रहेंगे और देखा ये कि ये दो खिलाड़ी क्या 2v2 में जीत पाएंगे और अपनी टीम को विनर चिकन डिनर तक पहुंचा पाएंगे। आई थिंक मैच जा रहे हैं यहां पे रिवाइव करने के लिए, दोबारा से इस 2v2 को 2v3 में बदलेंगे। उधर शैली नेट पे नेट डाल रहे हैं और यहां पे मुश्किलें बढ़ाते हुए, मुश्किल तो जरूर है बट मुझे लगता है यहाँ पे बहुत वैल्यू निकाल ली है। वो 30 बॉम्बर की हम बात करते हैं वो तो आ जाएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे जेली की तरफ से, जिस तरह से वो नेट डाल रहे हैं, एक और नेट, एक और नॉक, जेली इज जस्ट रिपिंग थिंग्स अपार्ट टुडे। 5 फिनिश जो निकाल चुके आखिरी प्लेयर को भी स्पोर्ट कराउ, उसको भी खत्म करेंगे 6 के साथ करेंगे समाप्त। और ये है एक शानदार विनर विनर चिकन डिनर, एक प्राइम एग्जाम्पल बीजीएमआई को कैसे खेलते हैं। वाह।